घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था, एक शौक था वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाक था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ, मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा तू अचानक, बहू कैसी है। अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा, उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है, मैं करता हूँ शायरी उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो, तुमको काम करना चाहिए तभी तो इज्जत मिलेगी, घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे। मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा, सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो। बेटा तू ना आराम कर, मेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठा कर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा। अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं, आप मुझे भगाना चाहते हैं, क्या ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना, अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही,
और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। सुमन, I'm sorry. आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूंगा। मैं घर जमाए बन के रहूंगा लेकिन काम करूंगा और इज्जत से रहूंगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है? जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए।